हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले एक नया गेम स्टेट ऑफ डिके 2 रिलीज हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, स्टेट ऑफ डिके 2 गेम को बनाया है अनडेड लैब्स ने, इसे पब्लिश किया है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो ने। और गेम रिलीज डेट की बात करें तो यह गेम 22 मई 2018 को पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो गया था। और गेम की बात करें तो स्टेट ऑफ डिके 1 की बात करें तो वह 2014 में पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो गया था। और स्टेट ऑफ डिके 2 बात करें तो यह 2018 के अंदर मई के महीने में पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो गया था, वो भी तीनों ही डिवाइस पर, PS4, Xbox और विंडो PC पर, तीनों ही डिवाइस पर यह गेम रिलीज हुआ। और इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं। और इस गेम स्टोरी की बात करें तो इस गेम की एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है। यह एक एक्शन सर्वाइवल एडवेंचर गेम है। इसके अंदर हमें ज़ॉम्बीज होते हैं, उनके खिलाफ सर्वाइव करना होता है, इसके अंदर ज़ॉम्बीज को मारना होता है। यही इस गेम की ज़्यादा पूरी स्टोरी है। हम इस गेम के अंदर हमें अपने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के अंदर भी खेल सकते हैं। मैं इसका जो पहला वर्जन था स्टेट ऑफ डिके 1, उसके अंदर मल्टीप्लेयर के अंदर नहीं खेल सकते, मगर स्टेट ऑफ डिके 2 के अंदर हम मल्टीप्लेयर में खेल सकते हैं। और इस गेम हम प्राइस की बात करें तो यह गेम लगभग 2000 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा। अगर आप इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी डिवाइस के लिए खेलते हैं तो आपको, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए खेलते हैं तो एक्सबॉक्स के लिए आपको फ्री में मिल जाएगा। और इस गेम की विंडो PC के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस गेम का विंडो PC खेलना है तो आपके पास कम से कम 8 GB की रैम होना चाहिए और 50 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। और मिनिमम की बात करें तो इसके अंदर 50 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, 8 GB रैम और 4 GB का आपके पास ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। और उसके अंदर हाई ग्राफिक्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास 4 GB का ग्राफिक होना जरूरी है, मिनिमम में आपके पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। और रैम की बात करें तो आपको हाई रेजोल्यूशन के अंदर खेलने के लिए आपको 16 GB की रैम की जरूरत पड़ने वाली है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको हाई के अंदर खेलने के, हाई रेजोल्यूशन के अंदर खेलने के लिए आपके पास इंटेल कोर i5 का 4th जनरेशन प्रोसेसर होना चाहिए, जिसकी स्पीड होनी चाहिए 3.2 GHz। और नॉर्मल के अंदर आपके पास इंटेल कोर i5 का 2.2 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए। तो आपको यह गेम पसंद आता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर खींच सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।